हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो हम अपने घर को नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट वे से हम ये काम करेंगे तो हमारी मेहनत भी बचेगी और बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी। पर इसके लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। तो आइए, ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो मैं सारिका, होम एंड किचन विद सारिका में आप सबका स्वागत है। कई सारे प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग में इस तरीके की कोरोगेटेड कार्डबोर्ड शीट का यूज़ किया जाता है। मैंने एक पार्सल डिलीवर किया था, उसमें मुझे ये कोरोगेटेड कार्डबोर्ड शीट मिली थी। इसे मैं फेंकूंगी नहीं। इस शीट का मैं यूज़ करूँगी अपनी सिरेमिक प्लेट को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। इस शीट के मैंने कुछ कटआउट किए हैं और हर एक प्लेट के बीच में मैं रखूंगी, जिसके कारण ये प्लेट एक दूसरे पर घिसेंगी नहीं और उनमें स्क्रैचेस नहीं आएगी। अगर आप भी अपनी क्रॉकरी को सेफली पैक करके रखना चाहते हैं तो इस तरीके के बबल रैप, फोम शीट या कोरोगेटेड कार्डबोर्ड शीट का यूज कर सकते हैं। मैं अपने कबर्ड के इस कैबिनेट में अपने सलवार सूट को रखती हूँ और प्रेस किए हुए इन सलवार सूट में से अगर मैं बीच में से कोई भी सूट निकालने जाती हूँ तो बाकी के सूट जो है वो बिखर जाते हैं। ऐसा बार बार करने से ये बिल्कुल मैस हो जाता है और इसे फिर से ठीक करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक ट्रिक किया है। मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा था, मैंने इसी को यूज़ किया है। ये इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए मैंने अलग से एक कार्डबोर्ड शीट लेकर तीन साइड से अंदर की तरफ से उसे लगाकर थोड़ा सा स्ट्रांग कर दिया है और ऊपर से गिफ्ट रैपिंग पेपर लगाकर उसे थोड़ा सा अच्छा लुक देने की कोशिश की। अब इस वाले बॉक्स को मैंने अपने वार्डरोब के इस कैबिनेट में सिंपली प्लेस कर दिया है। और एक बॉक्स मेरे पास था जो मैंने खुद DIY किया है और पिछले 2 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। के लिए आपके जो बॉक्स है वो अच्छे से स्ट्रांग और स्टडी होना ज़रूरी है। अब दूसरे बॉक्स में मैं अपने सारे सलवार सूट्स को अरेंज कर दूंगी और उसे सिंपली इस बॉक्स के अंदर रख दूंगी। अब ये मेरे लिए एक ड्रॉवर की तरह काम करेगा। जब भी चाहो मैं उसे ड्रॉ करके बाहर निकाल सकती हूँ और जो सूट मुझे चाहिए मैं निकाल कर पहन सकती हूँ। ऊपर वाले पोर्शन को भी मैं यूज़ करूँगी, वहाँ पर मैं अपने बाकी के कपड़ों को भी अरेंज करके रख सकती हूँ। इससे मुझे अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। ऊपर में भी आप चाहो तो एक बॉक्स और रख सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत अच्छे से आप इसे हैंडल भी कर सकते हो, आपके कपड़ों की आयनिंग भी ख़राब नहीं होगी। केलों को बहुत ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपने यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, लेकिन जो सबसे इजी और बेस्ट तरीका है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको एक जूट की रोप लेनी है और एक रिफिल लेनी है। रिफिल जो ख़त्म हो गई है और आप उसे फेंकने ही वाले हो, तो कोई भी रोप या रस्सी आपको लेनी है और सिंपली उस रिफिल को बांध देनी है और आप इसे कहीं पर भी, जहाँ पर आपकी किचन में उसे टांगने की जगह हो वहाँ पर आप उसे बांध दीजिए और बस इसमें आप अपने केलों को फंसा दीजिए। कैसे फंसाना है? सिंपली रिफिल को बीच में से निकाल कर आपको इसमें हैंग कर देना है। इस तरीके से हैंग करने से केले अनटच रहते हैं और ख़राब नहीं होते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रूट वाले ऐसे ही केलों को टांग के रखते हैं, मैंने उनसे ही ये टिप ली है। भगवान की चांदी की मूर्ति को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके आपने यूट्यूब पर देखे होंगे। कोई उन्हें गर्म पानी में डालता है, कोई केमिकल वॉश करता है या कोई उन पर नींबू रगड़ता है, लेकिन सबसे आसान और इजी तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको बस एक कोलगेट पाउडर की ज़रूरत है और एक टूथब्रश की और एक टिश्यू पेपर की। बस आपको कोलगेट पाउडर को सिंपली हर एक मूर्ति के ऊपर अप्लाई कर देना है
और अच्छे से उसे अपने ही हाथों से रगड़ना। इस पर छोटी छोटी नक्शी काम होती है और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैल जमा होता है और इसके कारण इन्हें साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब भी मैं पानी यूज़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि अगर मैं बिना पानी यूज़ किए ड्राई पाउडर से ही अगर इसे साफ़ करती हूँ तो ये जल्दी साफ़ होता है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे मंदिर में बहुत सारे मूर्तियाँ हैं और इन्हें मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे जो पाउडर गिर रहा है कोलगेट पाउडर, वो कलर बदल रहा है। जब ही कलर बदलेगा, काला हो जाएगा, तब हम फ्रेश पाउडर लेंगे और फिर से उसे एक बार साफ़ करेंगे। जैसे जैसे मूर्तियाँ क्लीन होती जाएगी पाउडर का कलर बदलता जाएगा। उस पाउडर को हम साइड में करेंगे और दूसरी पाउडर ले लेंगे। इसी तरीके से इन मूर्तियों को हम क्लीन करेंगे। अब टिश्यू पेपर से हम इसे अच्छे से वाइप कर देंगे। आप चाहो तो बाद में उसे पानी से नहला सकते हो, लेकिन जब तक वो क्लीन नहीं होती है तब तक आप पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें। आप नोटिस करोगे कि मूर्तियों आप बहुत ज़्यादा और अच्छे से क्लीन हो जाएगी और टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने हर एक तरीका ट्राई करके देखा है और मुझे यही तरीका सबसे बेस्ट लगा। अगर आपके पास भी कोई अलग ट्रिप है तो आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हो। मैं आपके दिए तरीके को भी ट्राई करके देखूंगी और इससे बेटर लगा तो वो भी मैं आप उसके ऊपर वीडियो बनाकर सबके साथ शेयर कर दूंगी। मेरे घर में जो चेयर है उसके ऊपर रेक्सिन लगी हुई है और कुछ चेयर का हाल कुछ इस तरीके से हुआ है, बीच बीच में वो फट गई है। तो इसे छुपाने के लिए मैं एक ट्रिक करने वाली हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो ये और ज़्यादा फट जाएगी। इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पिलो कवर। तो पिलो कवर को मैं इसमें कवर कर दूंगी और देखिए मेरी चेयर जो है वो बिल्कुल अच्छी लगने लगेगी। अगर आप चाहो तो भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। आपके पास कोई पुरानी पिलो कवर्स है तो उनको फेंकने से अच्छा है आप इस तरीके से उसे रीयूज़ कर सकते हो। बस पिलो कवर का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए या तो फिर आपकी चेयर के हिसाब से आपको साइज़ चूज़ करना पड़ेगा बस। और आप देखेंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभार ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। जब कभी हमारा पतीला इस तरीके से जल जाता है तो इसे साफ़ करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगने लगता है। पर इसके लिए मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, एक चम्मच बेकिंग सोडा इसमें डाल देना है, साथ में दो चम्मच डिशवॉश लिक्विड सोप डालना है और दो चम्मच विनेगर डाल देना है और इसमें पानी डालकर आपको ओवरनाइट इसे ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देना है। दूसरे दिन मॉर्निंग में देखेंगे कि आप उसका पानी बिल्कुल चेंज हो गया है, उस पानी को फेंक देना है और मेडिसिन के पैकेट से इसे साफ कर देना है। ये फटाफट साफ होने लगेगा, आप डिफरेंस देख सकते हो। बिल्कुल इजीली ये निकलने लगेगा और आपका जो पतीला है वो बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाएगा। तो इस ट्रिक को भी आप ट्राई करके देख सकते हो।
ये वाला दिया हम साल में एक बार यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो इसमें बीच में कांच होती है और इसे बहुत अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज़ ये कांच फूट सकती है। तो इसके लिए हम कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका बॉक्स आपके पास नहीं है तो इसी के साइज़ का कोई दूसरा बॉक्स आप यूज़ कर ले और उसके अंदर इस दिए को रख दे। पर रखते समय आप सिंपली कोरोनेटेड कार्डबोर्ड शीट का यूज़ कर सकते हैं, या आप आपके पास ये शीट नहीं है तो आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, बबल रैप का यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप इस दिए के साइड में लगा दीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो दिया है बहुत ही सेफली इसके अंदर रह जाएगा। और जब भी आप कभी 5-6 महीने बाद भी इसे निकालेंगे तो भी इसे कुछ स्क्रैच भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई दूसरा बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर लेबल लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो आप ढूंढते ही रह जाओगे कि आपने वो दिया कहाँ रखा था। और एक बात, उसे सेलो टेप लगाकर, स्पेशली उसके नीचे के साइड में सेलो टेप लगाकर उसे सिक्योर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन सब हैक में से आपको कौन सा हैक पसंद आया। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और होम एंड किचन विद सारिका को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं सारिका आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।